देखिए, महाराष्ट्र में लगातार किसानों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। सूरज जाधव 23 साल का युवा किसान, उसका बिजली का कनेक्शन काटने के बाद उसके ध्यान में आया कि अब मेरा जो वहाँ पर क्रॉप है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो उसने फेसबुक लाइव करके उस पर सरकार को दोषारोपित करते हुए, इसका सारा आरोप सरकार के सिर पर मढ़ते हुए उसने आत्महत्या की। और ऐसे कई सूरज जाधव सरकार की ओर नजरें गड़ाए बैठे हैं। हम तो ये कहते हैं कि कोई किसान आत्महत्या न करे, पर इस सरकार ने सूरज जाधव को आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त किया है, क्योंकि राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने स्वयं हम ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन काटना बंद करेंगे ऐसा आश्वासन दिया। मात्र 500-700 रुपए भर दीजिए तब भी हम आपको मई तक सहूलियत देंगे, ये कहा। लेकिन कथनी और करनी में अंतर है। और आज हमारे किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये ठाकरे सरकार किसान विरोधी सरकार है। बाइक पर जा रहे एक दंपत्ति में से एक महिला को के साथ गैंगरेप की घटना हुई है 6 तारीख की रात। देखिए, बहुत भयानक घटना है, इसकी पूरी डिटेल्स मेरे पास नहीं, पर आज ही हमारे एक महिला सदस्य ने मुझे उसके बारे में जानकारी दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गंभीर, इस प्रकार से ये घटनाएं चल रही है। हम कानून कितने भी बनाए, लेकिन अगर हमारी यंत्रणा लचर होगी तो कानून का क्या फायदा होगा। अभी अगर पुलिस ये कहीं ना कहीं सट्टाबाजों से, कहीं ना कहीं दारू वालों से, कहीं ना कहीं सैंड माफिया से उनके साथ साठगांठ करते होंगे, हमारे यानी हमारे ने महाराष्ट्र में, नहीं तो आप बोलोगे हमारे सैंड माफिया के साथ साठगांठ करते होंगे, तो उनको टाइम का है इस तरह ध्यान देने का? कोई समय नहीं उनके पास। ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार देखिए, ओबीसी आरक्षण के बारे में आज का जो विधेयक है, ये मूलतः ओबीसी आरक्षण का विधेयक नहीं है। इस विधेयक में अभी तक जो प्रभाग की रचना हुई थी उस रचना को निरस्त किया गया है और नए सिरे से रचना करने का अधिकार सरकार को मिला है। सरकार ये रचना करके इलेक्शन कमीशन को देगा और इलेक्शन कमीशन उसको अंतिम मान्यता देगा, इस प्रकार का ये बिल है। इस बिल के कारण अभी नई रचना होगी, तो नई रचना होते समय कुछ समय मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल के कारण सरकार को अभी यह मौका मिला है कि ये जो समय मिलेगा इस समय में एम्पिरिकल डेटा जमा करके ओबीसी आरक्षण वो बहाल करे।